वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत मेरठ में शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह पार्क में हो रही है। किसानों की मांगे हैं कि नलकूपों पर बिजली मीटर लगाए जाएं, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए व भुगतान भी किया जाए। आवारा पशुओं की समस्याओं का समाधान के साथ और भी समस्याएं हैं जो किसानों ने फर्स्ट बाइट टीवी की संवाददाता नीलोफर अंसारी को बताई, सुनिए। ये और होंगी, ये पूरे देश में होंगी, पूरे देश में पंचायतें होंगी। ये वैचारिक क्रांति है, हमारे जो चौधरी ये सब जगह होगी, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो क्योंकि जिस तरह से कर्जा बढ़ाने की बात करिए और फसलों के दाम ना देने की बात करिए, ये किसानों की जमीन छीनने का बड़ा प्लान है। इसको बचाना है तो आंदोलन जरूरी है। 20 तारीख की बड़ी पंचायत होगी मार्च में दिल्ली में। आज यहाँ पे जो मुद्दे हैं ये सरकारों को बताएंगे, अपने ज्ञापन देंगे, वो भी अपने विचार। अच्छा, फिर मीटर में वो फ्री बिजली कैसे जाएगी? वह टेक्नोलॉजी तो अभी भारत में तो है नहीं कि मीटर लग जाएंगे फ्री बिजली जाएगी। पदाधिकारी सम्मानित साहब चौधरी, सम्मानित किसान बंधु, आज ही हो गए पहले प्रशासनिक अधिकारी आयु, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, MSP गारंटी कानून है, ये हम ज्ञापन सरकार को देंगे और ये मीटिंग सब जगह चलती रहेगी। आलू का किसान जैसे बर्बाद है उसकी भी बात करेंगे, गन्ने का भुगतान है ये भी सारी बात करेंगे। आप बम तो उड़ाने की धमकी दी, जो आपकी हाथ तो सरकार बताएगी, तो सरकार का काम लगता है। चौधरी को किसने दे दी कौन? महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? ये वही तो लोग हैं, शांति का पुजारी महात्मा गांधी गोली का शिकार हुआ क्या? जैसा कि किसानों ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि वो मार्च में धरना प्रदर्शन देंगे, सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना देंगे, लेकिन वो धरना जंतर मंतर दिल्ली पर सुनने में आया था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ कमिश्नरी के बाहर, जहाँ भारी संख्या में किसान मौजूद हैं। हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और तमाम प्रदेश के तमाम शहरों से यहाँ पे किसान मौजूद आए, जानते हैं इनसे क्या क्या इनकी मांग है। सर, आप यहाँ पे पहुँचे हैं भारी संख्या में, कहाँ कहाँ से यहाँ पे किसानों का आह्वान हुआ है? यहाँ पे दो कमिश्नरी है, मेरठ कमिश्नरी, सहारनपुर कमिश्नरी, ज़्यादातर किसान यही इन दो कमिश्नरी के हैं, बाकी जो हमारे पदाधिकारी हैं वे दूर दराज से भी आए हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या किस मांग को पूरा करने की मांगे? हाँ, मांगे हमारी जो सरकार किसान का उत्पीड़न कर रही है, सभी को पता है गन्ने का रेट कितना लेट घोषित किया, सबको उम्मीद थी पिछले 5 साल की योजना में। पहले तो आप गन्ने का रेट घोषित नहीं किया जा रहा इसलिए धरना दे रहे थे, अब गन्ने का रेट घोषित हो चुका है तो अब धरने की क्या जरूरत है? धरने की जरूरत मैडम इसलिए है कि पंजाब में 380 का रेट है, सभी को पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हरियाणा में 372 का रेट है, तो ऐसी क्या बात है कि वहाँ के गन्ने से भी चीनी बनती होगी, यहाँ के गन्ने से मिट्टी तो बनती नहीं, तो इतना अंतर क्यों? 350 का रेट है हमारा, 372 हरियाणा का है, तो 375 हमारा होना चाहिए था, 380 पंजाब का है, ये बिल्कुल वाजिब दाम की हम बात कर रहे हैं। जब 25% किराया बढ़ सकता है और किराया वो जो आम जनता को देना पड़ेगा, भाई एक गरीब मजदूर है, किसान है, बस से बैठ के जाएगा, तो 25% हमारे बढ़ा दो, हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हक है हमारा, हक है, ये देना चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई थी उसके लिए भी आप यहाँ पे आए हैं? नहीं, हम तो सारे नाम के यार, हम एक नाम के नहीं चलते। उसकी भी मांग है आपकी? मांग है उसे जो है कि नहीं, जो गृह मंत्री है उसे बर्खास्त करा जा,
थवे किसान के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ा दे, किसान की कीमत मान नहीं रहे। अरे कम से कम जोन से प्रशासन में बैठे, सिर्फ बर्खास्त करना आपकी मांग है, उसको बर्खास्त कर, बर्खास्त भी करे, मिल जाएगा। जेल में भी गिरे बर्खास्त, बर्खास्त पंडा थोड़ा छूटे यार। हम लोग कह रहे किसान की जिंदगी इतनी कमजोर है, कोई भी उसको ट्रैक्टर तार दे, गाड़ी तार दे, अरे उसका ही तो अन्न खावे। यहाँ किसानों के धरने में सिर्फ पुरुष ही नहीं, किसान महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए यहाँ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेहा गौर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा गौर, आप बताइए आप यहाँ किन किन मांगों को लेकर। तो मैं पहले बताऊँ, मैं गाजीपुर से जुड़ी थी और हम पार्टी को अलग से बिल्कुल भी कहीं अभी नाम नहीं लिया है। हम लोगों ने हमेशा किसानों के साथ खड़े थे, किसानों के साथ कंधे से कंधा ला के खड़े थे और आज भी खड़े हैं। मांग ये है कि देखो, किसानों की गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है, जो ये लोग वादे करते गए वो झूठ निकलते गए। इनसे बड़ा झूठा मक्कार कोई है ही नहीं। छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा आज एक बैल द्वारा मर गया, वो छोटा किसी की औलाद होगी। लेकिन छुट्टा पशुओं पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। कल योगी जी यहाँ आ रहे हैं इस बात को, लेकिन कोई इस बात पर आवाज़ नहीं उठाएगा। किसानों की ये डिमांड भी है। मीटर्स, बिजली फ्री देने का वादा किया था, जाके छापे लगाते हैं 5 बजे सुबह, 4 बजे सुबह। तो ये सब मांगे हैं। किसान हमें अन्न दे रहा है, रोटी दे रहा है। मैं फिर कहूँगी किसान को सुन लो, नहीं तो कल ये आ ही रहे हैं, उसके बाद इलाज इनका फिर दोबारा बात। कल क्या करने वाले हैं आप? कल ये आ रहे हैं, आपने बोला जैसे क्या, भी बताइए नया गौर। मैं ये कहूँगी, देखो जी, मेरा तो शुरू से ही रहा है एक मामला कि फिर हमने ये भी कहा था अभी बजट पे भी कि हम चूड़ियाँ भी पहनाएंगे। अच्छा, हमने ये भी उस टाइम गाजीपुर पे भी कहा था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तब भी हम आगे बात करेंगे। तो योगी जी भी कल आ रहे हैं, चूड़ियाँ पहना देंगे। क्यों नहीं पहना सकते? कैसे पहनाएंगे? पहना दे, फेंक दो यार, पहना देंगे। सरकार बात ही नहीं मानेगी तो वो तो करेंगे ना कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। महिलाएं हथियार तो नहीं रखती हैं, हर जगह महिला पुरुषों से भी आगे मिलेंगी। अच्छा, गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो क्या गन्ने का एक मूल्य नहीं है? एक मुद्दा नहीं है ना, सिर्फ मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे किसानों के, जितने भी मुद्दे वो सब सरकार मान ले, सब सरकार के जितने भी मुद्दे सब मान ले सरकार, सरकारों को मानने चाहिए ना, फिर तो देश अपने आप ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये झूठ ना बोले, पहली बात, जब भी वादा करते हैं इनका सब वादे झूठे होते हैं। आपका मेन मुद्दा क्या है? इन्होंने झूठ बोला इसलिए प्रदर्शन कर रखा है आपने? नहीं नहीं, मेन मुद्दा है कि गन्ने की पेमेंट ही नहीं आई है, गन्ने की कोई पेमेंट नहीं आई है, ना ही गन्ने की कोई पेमेंट हो रही है। अभी सरसों, अभी एक महीना पहले 7,000 रुपये कुंटल ही, आज किसान की सरसों आ गई, सरसों का रेट 4600 रुपये कुंटल। हमने बताओ, किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा बताओ? क्या चाहते हैं, क्या रेट? हम चाहते हैं आपके हिसाब से, हमको कम से कम 8,000 रुपये का रेट सरसों का मिलना चाहिए, अनाज का कम से भी कम हमें 3,000 रेट मिलना चाहिए। तो ये तमाम आरोप जो आप भाजपा पे लगा रहे हैं, तो भाजपा का बहिष्कार हो रहा है, सीधे सीधे बहिष्कार कर रहे हैं। सीधा बहिष्कार है, सीधा सीधा बहिष्कार है। दूसरा नहीं, बहिष्कार तो इसलिए है, हमारे बच्चों की फीस तक नहीं जा रही। अच्छा। दूसरा, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। हमारे गन्ने का पेमेंट सबसे कम है, हरियाणा में देख लो, पंजाब में देख लो, वहाँ हरियाणा में 370 है, पंजाब में 380 है, यहाँ कितना है? अब 450 रुपये प्रति क्विंटल हो किसान को, तब अपने पंजाब हरियाणा से कंपेरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर तो इतना नहीं है, 450 वहाँ पर। सुनिए, वहाँ फसलों का वाजिब मूल्य तो मिलता है, वहाँ जीरी का जो जीरी है, यानी यहाँ पे हम धान कह देते हैं, तो वहाँ जीरी का जो जो सरकार खरीदती है, वहाँ 80% किसानों का खरीदती है। यहाँ कितने परसेंट खरीदती है? यूपी में जो सरकार है यहाँ मात्र 2% भी नहीं खरीद पाती। किसानों का घेराव किया, सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं, वो सरकार बनाई हुई तो आपकी है ना? नहीं, उस समय ये धर्म के नाम पर बन गई थी, लेकिन आगे नहीं बन पाएगी। अगर जिस तरीके से इनके किसानों के खिलाफ ये नीति बना रहे हैं ना, अब आगे नहीं आएगा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर किसानों की मांगे सिर्फ गन्ने को लेकर ही नहीं है, लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ है उसके दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी है, और जो गन्ना है वहाँ उनका कहना है कि गन्ने का भाव हरियाणा में ज़्यादा है और यूपी में कम है, जबकि भाजपा की सरकार हरियाणा में भी यहाँ भी है। ये दोगलापन क्यों किया जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए और गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए, साथ ही सरसों का भाव बढ़ाने की भी इनकी मांग। इनका कहना है कि 4600 रुपये सरसों का रेट घोषित किया गया है, उसको बढ़ाकर 8,000 किया जाए। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं निलोफर अंसारी, फर्स्ट बाइट टीवी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न
अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।